सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका पीसी टेक वाईटी के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने बिल्ड किया यार एक अच्छा सा गेमिंग पीसी जो कि होने वाला है इंटेल के लेटेस्ट जनरेशन 12 जनरेशन के ऊपर बेस। हमने इस बिल्ड में लगाया हुआ है i5-12600 प्रोसेसर जो कि यार आपके जो गेमिंग एक्सपीरियंस है उसको काफी ज्यादा अच्छा कर देता है। तो गाइस, अगर आप भी देख रहे हो अपने लिए एक अच्छा सा गेमिंग पीसी जो कि आपको i5 के साथ आपको देखने मिले, देन आप जो भी स्पेसिफिकेशंस मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, तो आप उन सब के साथ जा सकती हो, नो डाउट। तो यार को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, हम एक एक करके सारे कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे और उनका जो भी बेस्ट वैल्यू है मैं उसको भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइस, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज, जो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है जो कि ऑब्वियसली अपना i5-12600 प्रोसेसर है जो कि यार गेमिंग के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है और बजट में जैसा आता है, जैसे कहा जाता है कि i5 एक बजट प्रोसेसर हो जाता है। ऑल्दो इसकी जो प्राइसिंग है वो फिलहाल बजट प्रोसेसर के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, बट प्राइसिंग के पहले हम बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह की। तो जो i5 है आपको i5-12600 की, ये एक 12th जनरेशन लेटेस्ट जनरेशन है इंटेल की तरफ से। इसमें आपको 10 कोर देखने मिल जाते हैं जो कि इसमें आपको 6 परफॉर्मेंस कोर और 4 एफिशिएंसी कोर आपको देखने मिल जाते हैं। और टोटल थ्रेड की बात करूं तो आपको 16 थ्रेड आपको देखने मिल जाते हैं। मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो 4.90 गीगाहर्ट्ज़ इस पर्टिकुलर प्रोसेसर की मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी है। और अगर कैश मेमोरी की मैं बात करूं तो 20 MB की कैश मेमोरी आपको देखने मिल जाती है। और भाई TDP की बात करूं तो 125 की वॉट की इसकी TDP है जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा है एक प्रोसेसर के हिसाब से भाई। तो गाइस, ये जो प्रोसेसर है ये एक पावर कंज्यूमिंग प्रोसेसर है, बट जो परफॉर्मेंस आपको ये प्रोसेसर देगा वो भी एक आउटस्टैंडिंग लेवल की है, बहुत OP लेवल की है। आपको ये परफॉर्मेंस दे देगा 4.90 GHz इसकी मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी, तो आप समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये प्रोसेसर होने वाला है। आप इस पर्टिकुलर प्रोसेसर को ओवर क्लॉक भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूर Z690 मदरबोर्ड। और तो और अगर मैं बात करूँ इसके प्राइसिंग की तो ये आपको फिलहाल आपको 29,999 रुपये का देखने को मिल जाएगा, वो भी प्राइम ABGD की वेबसाइट में। अब आप समझ सकते हो ये 30,000 का प्रोसेसर मिल रहा है, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है एल्डर लेक का ये प्रोसेसर। प्राइसिंग के साथ जिस परफॉर्मेंस, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस है उतनी अच्छा आपको प्राइस भी पे करना पड़ेगा इस प्रोसेसर के साथ। तो गाइज, अब मैं बात कर लूँ मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड आता है आपका असूस प्राइम Z690M+D4 का ये मदरबोर्ड है। अब ये जो D4 वेरिएंट है ये आपका DDR4 रैम को सपोर्ट करता है, DDR5 को नहीं सपोर्ट करता है ये रैम, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। और ये जो पूरा आपका कहूँगा तो मैं, ये मदरबोर्ड काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सारे फीचर्स के साथ आता है। अगर मैं इसके फीचर्स वगैरह की बात करूँ तो इसमें आपको 3 M.2 के स्लॉट देखने मिल जाएंगे, PCIe 5.0 का सपोर्ट देखने मिल जाएगा विथ LGA 1700 सॉकेट के साथ ही आपको देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली यार इंटेल का 12 जनरेशन को सपोर्ट करता है। और अगर मैं इसमें कुछ और फीचर्स की इसकी बात करूं तो ये आपको काफ़ी सारे इसमें आपको पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, USB 3.2 जेन टाइप सी आपको देखने को मिल जाएगा, थंडरबोल्ट 4 का आपको हेडर वगैरह देखने को मिल जाएगा, 1 GB लैन का आपको सपोर्ट देखने मिल जाएगा, HDMI और लगभग हर पोर्ट आपको देखने मिलेंगे, 4 स्लॉट आपको रैम के देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है और VRM सेक्शन इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आपको हीटिंग इशू बिल्कुल भी इस मदरबोर्ड के साथ देखने को नहीं मिलेगा। और तो और ये आपका सिंक वगैरह हो जाता है, तो यार जो RGB वगैरह है उसको भी आप इसके थ्रू करना कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये मदरबोर्ड काफ़ी अच्छा है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 7650 का प्राइम ABGD में आपको देखने को मिल जाएगा ये मदरबोर्ड, और काफ़ी सही है। Z690 एक नया मदरबोर्ड आया हुआ है तो यार उसकी जो प्राइसिंग है फिलहाल तो करंटली ज़्यादा ही होगी, बट हाँ जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे भी इसकी प्राइसिंग धीरे नीचे आती जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मदरबोर्ड की, अब हम बात कर लेते हैं रैम की, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट हो जाता है पूरी पीसी का। तो जो रैम हमने इस पर्टिकुलर बिल्ड में लगाई है वो अपनी आती है कॉर्सियर की तरफ से, काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टेड ब्रांड है कॉर्सियर वेंजेस LPX। 8 GB का हमने 2 स्टिक इस पर्टिकुलर बिल्ड में लगाई है जो कि 36 MHz में क्लॉक है। अब ये एक रैम ऐसी चीज़ होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल चीज़ होती है, आप अपने मन मुताबिक चेंजेस इसमें आराम से कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसमें मैंने 3600 MHz लगाई है, आप चाहे तो 3200 लगा सकते हो, 3400 लगा सकते हो, आप इसको ओवर क्लॉक वगैरह भी कर सकते हो, नो डाउट। इसमें मैंने 16 GB लगाई है, आप चाहे 32 लगा सकते हैं, आप चाहे फिलहाल प्राइस कम करने के लिए सिर्फ 8 GB के सिंगल स्टिक भी लगा सकते हो। और ओवरऑल अगर मैं रैम क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हीट सिंक के साथ आती है तो नो डाउट काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करती है। और भाई कॉर्सियर जैसे ब्रांड के साथ आती है तो हमें एक तरीके से सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ ये काफ़ी जो चीज़ है वो अच्छी ही होगी। अगर मैं इस रैम की प्राइसिंग की बात करूँ तो ये आपको अमेजोन में 3,360 की आपको देखने को मिल जाएंगी, इसका मतलब आपको 2 स्टिक लगभग 6,600 के आसपास आपको पड़ जाएगी। तो ये हो गई रैम की प्राइस। अब
हम बात कर लेते हैं स्टोरेज की, स्टोरेज में हमने क्या चीज़ लगाई है। तो भाई जो प्राइमरी जो हमारा स्टोरेज है वो हमने इसमें लगाया है ए डाटा का गेमेक्स 256 GB के, हमने M.2 NVMe इस SSD लगाई है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप जानते हुए M.2 NVMe की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और एक SSD लगाना एक मस्त चीज़ होती है आपका, वो भी प्राइमरी, क्योंकि भाई देखो SSD ऐसी चीज़ होती है जो आपका जो बूट टाइम है उसको भी फास्ट कर देती है, और जो भी एप्लीकेशन आपने अपने PC अपना जो SSD में रखा होगा वो भी काफ़ी अच्छा चलता है, काफ़ी फास्ट रन करता है। तो SSD एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और इस SSD में हम अपने विंडोज़ को रखने वाले हैं। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है देन आप SSD में भी इन्वेस्ट कर सकते हो ज़्यादा। इसके बाद जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है वो है हमारी Seagate की तरफ से 12.1 TB की इंटरनल हार्ड डिस्क है यार, जो कि आपको 1 TB का सफिशियंट आपको स्टोरेज हो जाएगी, जो कि ये आपके जो भी एप्लीकेशन वगैरह है, जो भी आप सॉफ्टवेयर रखना चाहो वो आप आसानी से रख सकते हो। 7200 RPM के साथ ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो यार रिट्राइड स्पीड काफ़ी डिसेंट है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो और अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये 1 TB की जो स्टोरेज है हार्ड डिस्क है वो आपको 3199 रुपये की आपको अमेजोन में देखने मिलेगी। वहीं अगर मैं SSD की बात करूँ तो ये आपको 3000 की अमेजोन में देखने को मिल जाएगी। तो टोटल 6199 के आसपास की आपको स्टोरेज आपको इस पर्टिकुलर PC में देखने को मिल जाएगी जो कि हमने इसमें लगाई हुई है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जो पावर सप्लाई यूनिट है, जो कि भाई आपका बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना आपके पूरे PC में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी नहीं, पावर की सप्लाई होगी नहीं। तो यार हमने जो पावर सप्लाई यूज़ की है वो है अपने Corsair की तरफ से, अगेन हमने Corsair की CV650W पे भरोसा करते हुए इसको लगाया हुआ है। इस पर्टिकुलर आपकी PSU है उसको हमने इसमें अपने बिल्ड में लगाई हुआ है, जिसकी आपको प्राइसिंग पड़ेगी 4599 रुपीज़ की, मतलब 4600 रुपये का आपको ये अमेजोन में देखने को मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी है भाई, रिप्यूटेड ब्रांच के साथ आती है और 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के साथ आती है। तो काफ़ी डिसेंट सी ये आपकी जो पावर सप्लाई है वो है, और 650W की भाई जो कि एक सफिशियंट होगी आपके जो भी पर्टिकुलर आप जो भी अपना बिल्ड बना रहे हैं, अपन जो बिल्ड बना रहे हैं क्योंकि इसमें हम जो ग्राफिक कार्ड लेंगे उसके हिसाब से भी, और अपना जो मदर बोर्ड है और आपका जो प्रोसेसर वगैरह है उसमें जो भी पावर कंज्यूमिंग वाले जो पार्ट्स होंगे, जो हमारे कैबिनेट की जो फैन होंगे, तो ओवरऑल एक तरीके से मैं कहूँ तो ये ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छी 650W एक काफ़ी सेफ साइड होगा आपको बिल्ड करने के लिए, क्योंकि देखो एक यार अपना जो प्रोसेसर है वो भी एक पावर कंज्यूमिंग प्रोसेसर है, तो उस हिसाब से 650W एक काफ़ी अच्छी आपका सेफ साइड कहूँगा। आपका काम 550W में भी चल जाएगा, बट यार 650W एक सेफ साइड होती है इसलिए मैं इसकी तरफ गया। अगर आप कॉस्ट कटिंग करना चाहो, थोड़ा सा आप पैसे बचाना चाहो अपना, देन 550W की तरफ भी जा सकते हो। काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जिसमें आप अपने स्पेसिफिकेशंस लिखोगे अपने PC के, तो वो आपको रिकमेंड कर देती हैं कि आपको कितनी वॉट की पावर कंज्यूम कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से आपका आप अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स उसके हिसाब से PSU भी खरीद सकते हैं। मैंने इसमें फिलहाल 650W की पावर सप्लाई यूज़ की है, जो कि मुझे काफ़ी सफिशियंट लगी और ज़्यादा ही लगी है, वो मेरे हिसाब से कम नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा ही रहे तो काफ़ी सही रहता है, क्योंकि आप अगर इन फ्यूचर कुछ भी अपग्रेड करते हैं देन यार पावर कंजम्पशन आपका बढ़ सकता है। इसके बाद यार हम बात कर लेते हैं कैबिनेट की, जिसमें हम ये सब अपना जो तामझाम है वो सब कुछ रखने वाले हैं। तो यार जो कैबिनेट है फिलहाल मैंने अपने जो कैबिनेट जो कि प्राइसिंग है वो 4500 के आसपास की रखी है, मतलब 4000 के आसपास की मैं कैबिनेट देख रहा था। तो मुझे एक कैबिनेट जो मिली है जो कि आती है यार आपकी गेम डियाज की तरफ से, गेम डियाज टेलोस E2 इलाइट मिड टावर गेमिंग कैबिनेट करके ये जो कैबिनेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। 3 प्री इंस्टॉल्ड ARGB फैंस के साथ आती है, जिसकी 120mm के ARGB फैन है, और आपको एक रेयर में आपको 120mm का जो रेयर में फैन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि नॉन RGB फैन है, मतलब उसमें RGB ग्लो नहीं होती। आपको जो फ्रंट 3 फैन है उसमें आपको 120mm के जिसमें आपको RGB वगैरह देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसके फीचर्स वगैरह की बात करूँ तो इसमें USB 3.0 का पोर्ट आपको है, इसमें 2.0 का पोर्ट है, आपको ऑडियो के पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, LED कंट्रोल का देखने को मिल जाएगा, और तो और आपको पावर बटन देखने को मिल जाएगी। मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर के साथ आता है, और तो और सबसे बड़ी जो खास बात है इस पर्टिकुलर कैबिनेट की वो है इसमें आपको हिंज वाला आपको ना ग्लास देखने को मिलता है, मतलब जो टेम्पर्ड ग्लास लगा वो आपको थंब स्क्रू से खोलने वाला नहीं, वो एक हिंज टाइप का है। स्विंग डोर साइड्स हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा आपको देखने को ये लुकिंग काफ़ी इन्हेंस कर देता है एक पर्टिकुलर कैबिनेट की, अगर इस टाइप से आपका जो फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ये प्रीमियम कैबिनेट्स में इस टाइप के फीचर आते हैं जो कि आपको इस बजट के अंदर देखने को मिल रहा है। 4500 का ये कैबिनेट है जो कि काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा। अगर मैं इसमें रेडिएटर सपोर्ट की बात करूँ तो इसमें आपको फ्रंट में आपको 360mm के आप रेडिएटर वगैरह को लगा सकते हैं, और ऊपर टॉप की तरफ में 280mm का भी रेडिएटर आप लगा सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है, आप रेडिएटर लगाना चाहते हो नहीं लगाना चाहते। बाकी कैबिनेट काफ़ी अच्छा है चीज़ रहेगी, आपका एयर फ्लो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, 3 फ्रंट आपके फ्रंट में है। लेकिन बस इस पर्टिकुलर जो कैबिनेट है उसमें दिक्कत ये है कि यार आपके जो सामने की तरफ है वो है आपका ग्लास से, मतलब आपका ग्लास से पैक है, मतलब साइड में है आपके जो भी मतलब थोड़ा सा एरिया है जिससे आपकी एयर इनटेक होती है तो वो बस है, लेकिन पूरा मैश नहीं है, मतलब मैं कहूँगा ग्लास से ढका हुआ है, मैश डिज़ाइन नहीं है, साइड से एयर इनटेक होगी और पीछे से आपकी बाहर निकल जाएगी। तो यार अगर जैसे कि बहुत ज़्यादा हीट होता है जिसमें हमें एयर की ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती
जाती है उस टाइम में जब आपका पीसी बहुत ज़्यादा रन करेगा, हॉट रन करेगा, तो यार तब आपको ये सफिशिएंट नहीं होगा, उतना अच्छा मतलब कूलिंग नहीं दे पाएगा अगर मैं सही बताऊँ तो। तो यार अगर ये टेम्पर्ड खुल सकता है देन आप खोल के भी इसको चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बाकी लुक के हिसाब से बहुत अच्छा दिखता है ये कैबिनेट पूरा, और काफ़ी अच्छा आपको इनहेंस लुक दे देगा आपके पूरे पीसी को। तो गाइज ये हो गई अपनी कैबिनेट के बारे में कि कैबिनेट किस टाइप से है और काफ़ी अच्छा है, 4500 के अंदर आता है जो कि डिसेंट है यार आपके। अगर आप देख रहे हो अपने हिसाब से भी और चीज़ें को, जैसे आप एक्सप्लोर करते हो भी अगर अच्छा सा कैबिनेट देखते हो, अगर आपको पर्टिकुलर दूसरा कोई कैबिनेट पसंद आता है देन आप उसको भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद यार जो सबसे जो फाइनल चीज़ है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपका यू नो एक गेमिंग पीसी का, एक पीसी का ना बहुत ज़रूरी कंपोनेंट होता है, वो है इसका ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड का तो भाई ऐसा सीन है ना कि जैसे कि आपको पता ही होगा ग्राफिक कार्ड की जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है, अभी तक काफ़ी समय से ये प्राइस है वो हाई हुए रखी हैं। तो ऐसे में क्या है, इस पर्टिकुलर पीसी में हमने जो ग्राफिक कार्ड लगाया है वो आपका 3060 Twin Fan का लगाया है, जो कि आता है Inno 3D की तरफ से, उनका GeForce RTX 3060 Twin का XC मतलब ये LHR वाला कार्ड है जो कि 12 GB VRAM के साथ आता है। GDDR6 आपको VRAM इस पर्टिकुलर ग्राफिक कार्ड के साथ देखने मिलेगी, और ये जो ग्राफिक कार्ड है वो आपको प्राइम AVGD में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू MD कंप्यूटर्स। अब मैं यहाँ पे एक दिक्कत की चीज़ ये है गाइस, क्योंकि जो आपको जो प्राइम AVGD में जो आपकी प्राइसिंग दिखाई गई है वो है 60,000 रुपये, मतलब 59,000 रुपीज़ का है अराउंड, आप 60,000 मान सकते हो Inno 3D का ये 3060, ठीक है, तो 60,000 का ये आपको मिलेगा, लेकिन ये फिलहाल आउट ऑफ द स्टॉक है। मतलब आपका अगर लेना चाहो तो भाई देखो जब स्टॉक आएगा तभी आप ले सकते हो, 59,000 में आपको मिल रहा है, लेकिन यही चीज़ को पर्टिकुलर बिल्कुल सेम यही ग्राफिक कार्ड है, बट अगर आप उसको MD कंप्यूटर्स में आपको देखोगे ना तो ये जो MD कंप्यूटर्स में आपको RTX 3060 मिल रहा है ट्विन फैन का LHR वाला कार्ड 12 GB की VRAM के साथ आता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सब कुछ सेम है, जो फर्क है वो है आपका प्राइसिंग के ऊपर। MD कंप्यूटर्स में आपको 64,999 रुपये का देखने को मिल रहा है, मतलब आप समझ सकते हो 65,000 का है, तो सीधे सीधे आपको 6,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर ग्राफिक कार्ड के लिए अगर आप लेना चाहो तो, क्योंकि MD कंप्यूटर्स में स्टॉक में है और प्राइम AVGD में स्टॉक में नहीं है। तो कुछ इस तरीके की कहानी है यार। फिलहाल इस पर्टिकुलर जो PC है हमने इसमें 3060 पेयर किया हुआ है, अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में सस्ता मिल जाए देन आप ऑफलाइन मार्केट में ले सकते हो, अगर आपको ऑनलाइन मार्केट से ही चाहिए देन आप MD कंप्यूटर की तरफ आ सकते हो, 65,000 का आपको ये ग्राफिक कार्ड पड़ जाएगा। तो भाई ये हो गया अपना ग्राफिक कार्ड जो कि हमने 3060 को लगाया हुआ है। भाई ग्राफिक कार्ड की जो प्राइसिंग ना इसको देख के ही मेरा मन नहीं होता फिर क्या है कि अपना जो PC बिल्ड की वीडियोस बनाने का, क्योंकि जो ग्राफिक कार्ड है ना अगर आप एक पर्टिकुलर कोई PC बना रहे हो, गेमिंग PC बना रहे हो, तो आपका जितना पूरा कंपोनेंट का जो भी बजट आएगा, जैसे आप मान के चलिए 60,000 आप सब कुछ मिला के आपका 60,000 रुपये का आपका जो PC बन रहा है, और तो और अगर जैसे ही आप उस पर्टिकुलर चीज़ में आप पर्टिकुलर PC में आप एक ग्राफिक कार्ड ऐड कर देते हो 3060 जैसा जो कि 60,000 रुपये का है, तो आप समझ सकते हो कि उसकी जो प्राइस है वो दुगनी हो जाती है। मतलब एक पर्टिकुलर PC की जो प्राइस है ना भाई वो दुगनी हो जाती है सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्राफिक कार्ड के कारण। इसलिए भाई जो भी PC बिल्ड की वीडियोज़ है ना भाई फिलहाल बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि जब ग्राफिक कार्ड ऐड करने की बारी होती है ना भाई प्राइस बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है पूरे PC का। तो भाई ये एक दिक्कत मुझे लगती है, और ये पता नहीं कब सही होगा कब नहीं होगा, आई डोंट नो, बट ग्राफिक कार्ड की हालत ऐसे ही है यार। इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई दोनों में फ़र्क बता दिया, प्राइम AVGD में आपको 59,000 का देखने को मिल रहा था, MD कंप्यूटर्स में आपको 65,000 का देखने मिलेगा। MD कंप्यूटर्स में स्टॉक में है, वहीं प्राइम AVGD में आउट ऑफ द स्टॉक, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही ग्राफिक कार्ड है, बस आपको प्राइसिंग का डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। तो गाइज ये हो गई अपना ग्राफिक कार्ड जो कि आपने 3060 को पेयर किया है इस पर्टिकुलर PC में। तो गाइज आपको ना जो भी परफॉर्मेंस निकल के आएगी ना वो बहुत ज़्यादा OP लेवल की आने वाली, क्योंकि आपका जो i5 12th generation का प्रोसेसर भाई बहुत तगड़ा प्रोसेसर है मैं सही बताऊँ तो, और RTX 3060 के साथ ये वन ऑफ द बेस्ट पेयर होगा अगर आप एक PC बनाना चाहते हैं इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो यार यहाँ होती है हमारी वीडियो का अंत, और जो भी स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको इस वीडियो में बताए हुए हैं उन स्पेसिफिकेशन के साथ जा सकते हो बहुत आराम से, क्योंकि जो जो स्पेसिफिकेशन मैंने इस पर्टिकुलर बिल्ड में चूज़ की है ना वो बेस्ट से बेस्ट चीज़ चूज़ की है। तो गाइज अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रिगार्डिंग द स्पेसिफिकेशंस वगैरह तो आप मुझे नीचे कमेंट में आप अपने जो भी दिक्कत है आप उसको शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, और कुछ भी अगर इंप्रूवमेंट करना हो देन आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हो। गाइज अगर आपको ये PC बिल्ड अच्छा लगा हुआ हो, ये स्पेसिफिकेशन जो हमने यूज़ किए हैं, जो कंपोनेंट हमने यूज़ किए हैं वो अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ यार वीडियो को एक जरूर लाइक जरूर दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।